नमस्कार, मैं आरपी गुर्जर आप सबका सब कुशोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी प्रीवियस का सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, उसमें पेपर रहेगा थर्ड जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें यूनिट रहेगी प्रथम या फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं, उसमें भी टॉपिक रहेगा रिकार्टेज इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकार्टेज इक्वेशन होती क्या है, रिकार्टेज इक्वेशन का जनरल मेथड क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया हुआ हो 1, 2, 3 तो उन्हें हम रिकार्टेज इक्वेशन द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरे सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो ही आप मेरा वीडियो देखें, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट इस यूट्यूब चैनल पे ना करें। तो चलिए क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। रिकार्टेज इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले आपको देखना है कि एक बार मैं लिख देता हूं, ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होनी चाहिए वो आपको बता देता हूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिकार्टेज इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि P, Q, R क्या है। यहां पे लिख भी सकते हो वेहर P, Q एंड R आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट। यहां पे ये रटना नहीं कि हमेशा x का ही होगा, आ जाए ऐसे आ जाए dx by dy तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जो p q r हैं ये किसके फंक्शन हो जाएंगे, ये y के फंक्शन हो जाएंगे इस फॉर्म में। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड रिकार्टेज इक्वेशन। इसे हम क्या बोल देंगे, रिकार्टेज इक्वेशन बोल देंगे। ये तो रहा आपका रिकार्टेज इक्वेशन किसे बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो इस फॉर्म में होगी जहां पे पी क्यू आर क्या है, फंक्शन है या तो एक्स के हैं या फिर क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर ये फॉर्म पलट जाए तो ये किसके हो जाएंगे, वाई के फंक्शन हो जाएंगे। ये तो रहा रिकार्टेज इक्वेशन के बारे में। अब देखते हैं, ये तो रही रिकार्टेज इक्वेशन की बात कि रिकार्टेज इक्वेशन कहते किसे है उसके बारे में बता दिया। अब जनरल मेथड टू सोल्व रिकार्टेज इक्वेशन, जनरल मेथड टू सोल्व रिकार्टेज इक्वेशन ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। इससे पहले आपको बता दूं कि इसके बाद में हम करेंगे वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन और थ्री पार्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन, इसके बाद इसी में करेंगे, ये 10 नंबर का टॉपिक आपका आएगा। तो ये तब बात करेंगे अगर इस वीडियो पे आप 50 लाइक मिनिमम और 100 प्लस व्यू पूछा दोगे तो फिर मैं रेगुलर आपकी क्लास लेके आया। जैसे हमने केमिस्ट्री की एमएससी की बात की थी वहां पे फर्स्ट वीडियो में पूछा दिया था, सेकेंड वीडियो में अभी होने वाले हैं तो थर्ड वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो ये हमारा कुछ बाउंडेशन है, इसके बाद ही हम अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो आपको 50 लाइक्स और 100 व्यू प्लस करना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।